नारद जी देवी भक्ति से कहते हैं, हे देवी, आप धन्य हैं कि आप वृंदावन में आई, वृंदावन में आपकी महिमा बढ़ गई और अधिक बढ़ गई। देवी भक्ति कहती है, नारद जी, वो बात तो सही है आपकी, लेकिन फिर भी महाराज, मैं चाहती हूं कि मेरे दोनों बालकों का आप उद्धार करिए। कुछ ऐसा मंत्र कहिए, कुछ ऐसा उपाय बताइए जो ये दोनों होश में आ जाए, इनकी मूर्छा दूर हो जाए। तब देवर्षि नारद जी ज्ञान और वैराग्य के कान में वेद शास्त्र पुराणों के श्लोक सुना रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि शायद इन श्लोकों को सुनकर के ज्ञान वैराग जाग जाएंगे, और जागे भी। जब कान में मंत्रोच्चारण किया गया तो मंत्रोच्चारण सुन के उठ भी गए, मूर्छा दूर भी हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मूर्छित हो गए। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ किया, शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, लेकिन उसके बाद भी मूर्छा दूर नहीं हुई। तब आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने नारद जी को कहा कि नारद जी, आपको इन ज्ञान वैराग को होश में लाना है तो आपको इनके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ और मन में विचार किया, इतनी देर से वही तो कर रहा हूं, कान में वेद शास्त्र पुराण सुनाने का मतलब यही है कि सत्कर्म कर रहा हूं, लेकिन जब ये सत्कर्म नहीं तो फिर सत्कर्म और क्या हो सकता है। ये विचार करते करते सब संत महापुरुषों से पूछते पूछते नारद जी आज पहुंचे हैं बद्रिक आश्रम, और बद्रिक आश्रम में जाकर के नारद जी की भेंट होती है सनकादि ऋषि से। भागवतकार वर्णन करते हैं, एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थं समायात ददृशु तत्नारदम। एकदा ही विशाला, एक बार नारद जी विशालापुरे बद्रिकाश्रम पहुंचे, सामने सनकादि भाई खड़े हैं। सनकादि ऋषियों ने नारद जी के उदास चेहरे को देखा तो पूछ लिया, क्या हुआ? कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदमुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। कथं ब्रह्मन् दीन चिंता, क्या चिंता है आपके चेहरे पर उदासी शोभा नहीं देती। नारद जी, आप तो दिन रात प्रभु का नाम गुणगान करते हुए ही अच्छे लगते हो, आपको चिंता है मतलब कोई बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि छोटी मोटी समस्या से तो आप इतनी जल्दी परेशान होने वाले नहीं, तो बताइए क्या समस्या है आपकी। नारद जी ने कहा, क्या बताऊं, आप तो मेरे बड़े भ्राता हैं,
और मुझे विश्वास है कि मेरी समस्या का समाधान आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। पूरी कथा सुनाई कैसे कैसे मैं वृंदावन गया, भक्ति मिली, दो पुत्र मिले, और फिर उन दोनों को मूर्छा दूर करने के लिए नारद जी कहते मुझे अब सत्कर्म करना है। अब आप ही बताइए, मैंने इतने सारे पुराण उनके कान में सुना दिए, अब इससे बढ़ के और क्या सत्कर्म होगा। तब सनकादि ऋषि ने कहा, नारद जी अच्छा किया आपने सब शास्त्र सब पुराण सुनाए, लेकिन जो शास्त्रों का फल है, जो निगमों का फल है, अभी वो आपने उनको नहीं सुनाया। एक ही समाधान है और वो समाधान है श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादि। हे नारद जी, आप उनके लिए एक बार श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करा के देखिए। ये सारे शास्त्रों का सार है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये निगमों का भी फल है, वेदों का भी फल है, इसलिए आप इस श्रीमद् भागवत का आयोजन कराइए। और ये भागवत ऐसे वैसे नहीं मिलती है। कैसे मिलती है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदो दयते भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। अनंत जन्मों के भाग्य का फल जब उदय होता है तब श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का अवसर मिलता है। इसलिए नारद जी हमारे दिमाग से तो यही एक उपाय है, एक बार जाकर के भागवत का पाठ कराएं। नारद जी राजी हुए और स्थान निश्चित किया गया ऋषिकेश हरिद्वार। ऋषिकेश के एक सुंदर घाट पर श्रीमद् भागवत आरंभ की गई और इस भागवत के वक्ता सनकादिक हैं और श्रोता साक्षात नारद जी हैं। और नारद जी अकेले नहीं हैं, वहां सारा संसार आज भगवान की कथा सुनने पधारा है। प्रथम भागवत जो इस गंगा के घाट पर कही जा रही है सनकादि ऋषियों के द्वारा, समस्त जगत के लोग आए हैं, ऋषि महात्मा देवता सब पधारे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। भृगु वशिष्ठ चैवन, भृगु जी इस कथा के सबसे प्रथम श्रोता माने गए, जबकि ऐसा वर्णन है कि भृगु जी कथा में 6 दिन तो आए ही नहीं थे, केवल 7वें दिन आए, फिर भी जब श्रोताओं की गिनती आई तो पहला नाम भृगु जी का है। क्यों? क्योंकि भृगु जी ने 6 दिन कथा तो नहीं सुनी, पर इन 6 दिनों में उन्होंने एक बड़ा अद्भुत काम किया कि वो स्वयं कथा में नहीं आते, लेकिन जो लोग घर में सोए हुए उनको पकड़ पकड़ के कथा में लाते थे, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करते, अरे भैया चलो कथा में चलो, कहाँ यहाँ सो रहे हो, जो जागत है सो पावत है, चलो कथा में, वहां सोना वहां जाके सो जाना, चलो, लेकिन चलो वहां पर। कोई जुआ खेल रहा, कोई ताश पत्ता खेल रहा, उसके पाँव में पड़ पड़ के उसको लेके आते थे, भैया आ जा तू कथा में आ जा, वो आते सबको लेके आते कथा में भेजते, और अंतिम दिन विश्राम दिन उन्होंने बैठ के कथा सुनी। तो भृगु ऋषि यही करते रहे, चलो भैया कथा में चलो, देखो बड़ी प्यारी कथा है, बड़ी अच्छी रसमयी कथा है, लेकर के आए उनको कथा से जोड़ा। इसलिए भृगु ऋषि को कथा के श्रोताओं में सबसे पहला नाम उनका आया।